Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do question answers of chapter The Story of Dandi March of your new English fairy book. Let's start from exercise C, question number 1. Answer these questions. Question number 1 is, how was the salt satyagraha a different kind of battle? Salt satyagraha kis tarah se ek alag prakar ka yuddh tha? Answer is, salt satyagraha was the different kind of battle. Salt satyagraha, namak ka andolan, ek alag tarah ki ladai thi. Because, kyunki, it was fought simply and quietly without guns and soldiers. क्योंकि ये लड़ाई जो लड़ी गई थी ये बहुत ही शांत और साधारण तरीके से लड़ाई लड़ी गई थी. इसमें किसी गन या फिर किसी सैनिक का इस्तेमाल नहीं हुआ था. ये युद्ध बिना बंदूक के बिना सैनिकों के इस्तेमाल के शांतपूर्ण तरीके से लड़ा गया था. By this non-violent campaign, Gandhiji showed the most effective way to challenge British power. इस अहिंसात्मक अभियान के द्वारा गांधी जी ने अंग्रेजों की ताकत को चुनौती देने का बहुत ही प्रभावशाली तरीका दिखाया था. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द सॉल्ट टैक्स एंड व्हाई वाज इट अनफेयर? सॉल्ट टैक्स क्या था और ये अनुचित क्यों था? आंसर इज, salt tax was the direct tax imposed by British government on the purchase of salt. Salt tax यानी नमक पर जो कर था वो सीधा कर था जो British government द्वारा नमक की खरीद पर लगाया गया था. It was unfair, ये अनुचित था. Since India is surrounded by seas on three sides, क्योंकि भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है. Salt was easily available, इसलिए नमक बहुत आसानी से उपलब्ध था. But the British took control of all the salt factories and salt pans in the country. भारत में जितने भी नमक के कारखाने थे या salt के जो pans थे उन सब पर अपना अधिकार कर लिया था. Indians were not allowed to make their own salt. भारतीयों को अपना खुद का नमक बनाने की इजाजत नहीं थी. They were forced to buy it from the British. उन्हें अंग्रेजों से इसे खरीदने पर मजबूर किया गया था. Question number 3. Why did the British not try to stop Gandhi ji from marching to Dandi? ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को दांडी तक यात्रा करने से क्यों नहीं रोका? आंसर इज, ब्रिटिश डिड नॉट ट्राई टू स्टॉप गांधी जी फ्रॉम मार्चिंग टू दांडी. ब्रिटिश ने गांधी जी को दांडी तक पैदल यात्रा करने से नहीं रोका. बिकॉज क्योंकि दे थॉट दैट द होल आइडिया वॉज अ जोक. क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये सारा जो आइडिया है ये सारी योजना केवल एक मजाक है. गांधी जी विल नॉट बी एबल टू गो दैट फार. गांधी जी उतनी दूर तक नहीं जा सकेंगे. ही विल कोलैप्स इन अ हीप लॉन्ग बिफोर रीचिंग दांडी. वो दांडी तक पहुंचने से पहले ही गिरकर ढेर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रॉब्लम डिड द मार्चर्स फेस हाफ वे टू दांडी? दांडी तक पहुंचने के आधे रास्ते में जो पैदल यात्री थे उन्हें किस समस्या का सामना करना पड़ा? आंसर इज, व्हेन मार्चर्स रीच्ड हाफ वे टू दांडी, जब पैदल यात्री दांडी से आधे रास्ते तक पहुंचे, दे हैड टू क्रॉस द माही रिवर. उन्हें माही रिवर को माही नदी को पार करना था. बट द रिवर वॉज टू डीप टू वेड अक्रॉस, लेकिन वो नदी पैदल चलकर पार करने के लिए बहुत गहरी थी. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन संधि क्या थी? आंसर इज, ऑन मार्च 5, 1931 द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड. 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन संधि पर सिग्नेचर किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे.
According to the pact, British gave into many Indian demands. इस संधि के अनुसार ब्रिटिश ने भारतीयों की बहुत सी मांगे मान ली थी. Most important was Indians could make their own salt. सबसे महत्वपूर्ण था कि अब भारतीय अपना खुद का नमक बना सकते थे. And there was to be no more tax on salt. और अब नमक के ऊपर उन्हें कोई कर नहीं देना था. So students, that's all for today. We have completed all the questions of exercise C given on page number 61. I hope you have understood all the question answers. If you like the video, then press on like button, share this video with your friends and classmates, and don't forget to subscribe my channel. See you soon. Till then, bye-bye. Have a good day.